नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं BHU स्टूडेंट लाइफ। आज BHU स्टूडेंट लाइफ के ब्लॉग में हम आपको पत्रकारिता एवं जन प्रेशर, ठीक है, तो मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ। मास कॉम एंड जर्नलिज्म का ये कोर्स है और इसमें हम आपको आज पूरी बिल्डिंग दिखाएंगे कैसा दिखता है मास कॉम, और कुछ एजुकेशनल जर्नी भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी। और BHU का मास कॉम उतना भी मतलब एक तरीके से इंग्रेडिएंट नहीं है जो आप आगे चल के यूज़ कर सके अपने लाइफ में। और हम थोड़ा सा इधर निकलेंगे बाहर, तो ये अगर आप इस लिंक रोड को देख रहे होंगे तो ये जो लिंक रोड है ये VT विश्वनाथ टेम्पल, न्यू विश्वनाथ टेम्पल काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है ये। उसके बाद हम अगर सामने देखेंगे, सामने कौन सा डिपार्टमेंट बन रहा है, ये वैदिक विज्ञान केंद्र बन रहा है। वैदिक विज्ञान केंद्र का एक वीडियो अपलोड हुआ होगा पहले से साइट पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पत्रकारिता डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन को हम कंपेयर नहीं कर सकते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, क्योंकि उसका जो स्टडी क्रेडेंशियल्स हैं उसके जो मैं जैसे सुना हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना और सोचता हूँ कि नहीं हाँ एक जर्नलिज्म का कोर्स किया जाए, तो जर्नलिज्म का कोर्स IIMC लोग बोलते हैं, प्रेफर करते हैं। और फिर भी एक डिपार्टमेंट है BHU में, आपके सामने है, यही डिपार्टमेंट है जिसमें आप मास कॉम की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं अगर आपको सिलेबस की बातें बताऊं तो सिलेबस आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में सिलेबस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से पढ़े लोग मास कम्युनिकेशन, जैसे BHU में ऑनर्स की सुविधा होती है। ऑनर्स क्या होता है एक बार ऊपर दिए हुए कार्ड पर टच करिएगा पता चल जाएगा। इसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसके लिए खास एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो लिंग्विस्टिक और आप बोल सकते हैं लाइब्रेरी साइंस, जो लाइब्रेरिकल साइंस होता है उसके पेपर से ये मैच करता है। मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में इसको लिया जाता है, जैसे कि आर्ट्स और सोशल BA वाला हो गया है। अब लोग पूछेंगे कि मास कम्युनिकेशन UG कोर्स है या PG कोर्स है, तो मैं बता दूँ कि BHU से मास कम्युनिकेशन करने के लिए आपको PG मतलब UG क्वालिफाई करके ये PG कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, आप इसमें ले सकते हैं। दूसरी बात है ये जो यहाँ के फैकल्टीज़ मेंबर हैं, फैकल्टीज़ मेंबर हम बता सकते हैं हमारे वार्डन थे, पूर्व वार्डन थे बाला लखेंद्र का किताब है, 11-12 हज़ार रुपये का किताब है, काफ़ी फेमस हैं बाला लखेंद्र मास कम्युनिकेशन से। और धीरेंद्र राय सर जैसे फैकल्टी मेंबर हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो काफ़ी मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट है यहाँ पे। राजीव सरदेसाई आते हैं, लोगों से मिलते हैं, मतलब काफ़ी ढेर सारे सेमिनार भी कराए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ इधर छोटी सी गार्डनिंग की गई है, कुछ ज़्यादा उतना ख़ास नहीं है, और इधर एक पेड़ दिया हुआ है। पेड़ के पास जब भी आइएगा आप खम्मा ज़रूर देखिएगा, खम्मा मर्ज हो गया है इसमें। और एक छोटी सी गार्डनिंग इधर है, तो मतलब एक छोटी सी गार्डनिंग की गई है, छोटा सा ये पाथ बना हुआ है, पाथ से आप जैसे ही आएंगे आपको अपना डिपार्टमेंट दिखेगा। और थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे इनको पीछे होकर के, ये हमारा गेट है, मेन गेट है जिससे हम एंटर लेते हैं, और ये है हमारा पत्रकारिता जर्नलिज्म एंड मास कॉम, मास कम्युनिकेशन का ये डिपार्टमेंट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बोर्ड लगता है नया नया लगा हुआ है, तो आगे चलते हैं आपको कुछ इधर से चीज़ें दिखाते हैं। पीछे से भी एक ऑफिस है, ढेर सारी ब्लॉक्स पहले से बनाए जा चुके हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ साइंस का जितने भी डिपार्टमेंट हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, इन सभी के वीडियोस बना दिए गए हैं। आप इधर देखेंगे तो ये लगभग इतना बड़ा है, ये आपका पीछे का ये गार्डनिंग किया गया है, पीछे सेंट्रल लाइब्रेरी है और साइबर लाइब्रेरी है। तो मास कॉम का एक परफेक्ट लोकेशन जानना होगा तो हम बोल सकते हैं कि बगल में साइबर लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी है, बगल में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस है, बगल में VT है, बगल में वैदिक विज्ञान केंद्र है और बगल में बॉटनी डिपार्टमेंट है। तो ये है लोकेशन इसका, ज़्यादा कुछ खास अब इसमें क्या बताएं आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे।
तो ये रहा ओवरऑल हमारा BHU। बारिश हो रही हल्की हल्की, इसलिए अब इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप ब्लॉग देखने आए हैं, एल्यूमिनाई हैं यहाँ के, तो जुड़िए छात्रों के लाइफ से। हम लोग कुछ आपको रोज़ कुछ नया नया दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाते चले जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।